आदाब नाजरीन, शार्प इंडियंस न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन क्राइम टीम ने खुदकार चोरी और घरेलू चोरी करने वाले दो मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया, जो टू व्हीलर्स की चोरियों में मुलविस थे। इनमें से एक कम उम्र लड़का जुनेल और दूसरा एक 20 साल ईसा कुरैशी है, जो ईदी बाजार या खुदपुरे का साकिन है। ये दोनों नकली चाबियां बनवा कर मोटरसाइकिल चोरी किया करते थे। साउथ जोन DCP गजरा भोपाल IPS की निगरानी के तहत ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। चंद्रायन गुट्टा के हुदूद में 6 केसों में शामिल होने वाले नौजवानों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 5 टू व्हीलर्स और 2 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया गया, जिसमें मुलविस अफराद पहले से ही 3 मुकदमात में शामिल थे। ACP फलकनुमा MA मजीद भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए आगे की तफसीलात जानते हैं साउथ जोन DCP गजरा भोपाल IPS की जबानी। हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद इकबाल की शार्प इंडियंस न्यूज से यह तफसीली रिपोर्ट। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल को YouTube पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन क्राइम टीम ने 2 लोगों को अरेस्ट किए, जो मोटरसाइकिल की चोरी में दोनों इन्वॉल्व थे। एक का नाम ईसा कुरैशी है, ईदी बाजार याकूबपुरा का रहने वाला, दूसरा एक बच्चा बॉय जुनेल, दोनों आए। इनका मॉडस ऑपरेंड है एक मास्टर की बनाना और मास्टर की के जरिए ये पूरी गाड़ियों को चोरी करते थे। अभी इनसे 6 गाड़ियाँ रिकवर हुए। इनसे पहले इनके ऊपर 3 केसेस भी हैं, 2 केसेस सैदाबाद और 1 केस पहाड़ी शरीफ में इनके खिलाफ है। अभी उनके ऊपर सस्पेक्ट शीट भी ओपन किया जाएगा और उस पर पूरी तरह से निगाह रखी जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस ये चोरियों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग, पेट्रोल कार्स और ग्लूकोल्स की पूरी ट्रेनिंग अभी दी जा रही है। उनको नए नए सॉफ्टवेयर के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए ये जो ऑफेंडर्स है उन पर निगाह रखने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। और अभी टेक्नोलॉजी के जरिए अभी क्राइम हॉटस्पॉट्स का भी आइडेंटिफाई किए, जहाँ जहाँ ज़्यादा क्राइम हो रहा है उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन जगह पर पेट्रोलिंग ज़्यादा करवाएंगे और निगाह भी ज़्यादा रखी जाएगी। और CCTV कैमराज भी हम सब जानते हैं इंडिया में हाईएस्ट है हैदराबाद सिटी में। अभी रिसेंटली थोड़े चेन्नई आगे निकला, फिर भी दोनों हैदराबाद और चेन्नई दोनों टॉप में हैं और वर्ल्ड में भी टॉप 20 में हैदराबाद के नंबर ऑफ कैमरास में है। तो इस टेक्नोलॉजी के पूरे इस्तेमाल करके चोरियों को हम कंट्रोल में रखेंगे। सर ये प्रीवियसली इसके बारे में देखिए, इसका अभी तक मेरे पास डिटेल्स नहीं है, ट्रायल कहाँ तक आया अभी तो तक डिटेल्स नहीं है। मेरे ख्याल से उनको अभी एक्विट तो नहीं हुआ, पूरी ट्रायल तो पूरी नहीं हुई होगी। 19 का केसेस है, प्रीवियस केसेस कितने थे? 3 थे, 2 सैदाबाद और पहाड़ी। तो सर अब तक कितनी गाड़ियाँ हैं? इनसे पूरे अभी तक 6 गाड़ियाँ रिकवरी। हैदराबाद में बचा हुआ? तो सर रीका ऊपर भी अगर वो उसका पता होता कि ये चोरी की गाड़ी है तो उनको ऊपर भी रिकवरी और रिसीवर की तरह से उनको ऊपर भी कैसे आएगा। Nice.
Thank you.